हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में, या हम कह सकते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैं इनके जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय को लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में साहित्यिक परिचय पूछे तो भी आपको इसी तरीके से लिखना है, अगर जीवन परिचय पूछे तो भी इसी तरीके से लिखना है। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय में अगर इस तरीके से लिख करके आते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय में क्या क्या आपको लिखना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हेडिंग दे देनी है, उसके बाद से आपको लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के कहाँ हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, एक मुस्लिम परिवार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, उसके आगे लिखना है उनके पिता जैनुल आबिदीन एक नाविक थे। ठीक है, उनके पिता क्या थे, नाविक थे, जो नाव को चलाता है, नाव को पार कराता है व्यक्तियों को। ठीक है, और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थी जो घर में खाना बनाया करती थी। ठीक है, घर में गृहिणी मतलब आप समझ रहे होंगे, होमवाइफ थी। ठीक है, अगला हमारे पास आगे आपका अगला पैराग्राफ आपको लिखना है कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से सन 1954 ईस्वी में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। ठीक है, जो कलाम जी थे उन्होंने जो है तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 ईस्वी में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया था। इन्होंने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था, भौतिक विज्ञान से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे लिखना है वर्ष 1960 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने 1960 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1969 ईस्वी में उनका स्थानांतरण भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में इसरो बोलते हैं, ISRO, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनका चयन हो गया, स्थानांतरण हो गया। ठीक है, यहाँ वे भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं जो चंद्रयान 3 है वो इसी संस्था से क्या हुआ था, भेजा गया था चंद्रमा पे। ठीक है, आगे लिखना है आपको 25 जुलाई 2002 को इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। ठीक है, इन्होंने 25 जुलाई 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। ये इतने महान थे कि इन्हें 11वां राष्ट्रपति के रूप में भी देखा गया। डॉक्टर कलाम देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। ठीक है, तो अब्दुल कलाम को क्या किया गया था कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। आगे लिखना है करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए। तो इनकी जो मृत्यु है 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई। ठीक है, इसको याद रखना है। इनके कृतियों के बारे में आपको ध्यान देना है, इनकी कृतियाँ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हैं। जो भी इन्होंने कृतियाँ की अंग्रेजी में किया था, इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं अंग्रेजी भाषा में हैं। ध्यान से समझिए सारी कृतियों को, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। या फिर आप सर्च करके कुछ छोटी छोटी जो इन्होंने हिंदी में रचनाएँ की हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं, तो वो भी उनकी कृतियाँ ही हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट जो कृतियाँ हैं यहाँ पे देखिए, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये इनका रचना है। अगला है हमारे पास विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, दूसरी रचना। तीसरी रचना देखिए इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रचना है, तीसरी रचना हो गई। चौथी रचना देखिए मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्प्रिट आदि, ठीक है, इंडोमिटेबल स्प्रिट। और इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे चार रचनाएं लिखी हैं, इनको याद करके अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इनके बारे में ये लड़का ज्यादा जानता है। क्यों? क्योंकि इनके इतने कठिन कठिन जो रचनाएं हैं इनको लिखा है, तो इसका मतलब इस लड़के के पास नॉलेज अच्छी खासी है। तो इसको देख करके वो आगे के जितने भी प्रश्न आपके होंगे उनको भी सही करता जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आसान जीवन परिचय आप तैयार कर पाएंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।